जादुई दो बर्थडे केक का जादू। एक गांव में मानवी और कोमल नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता शहर में नौकरी किया करते थे और कभी कभार ही उनसे मिलने आया करते थे। मानवी दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी लड़की थी और वो सभी लोगों से बहुत अच्छे से पेश आती थी। उधर कोमल दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ वो बहुत घमंडी भी थी। वो पूरा दिन अपनी सहेलियों के साथ घूमती रहती थी। एक दिन दोनों बहनें स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी सहेली प्रीति मिली। अरे प्रीति, तू दो दिन से स्कूल क्यों नहीं आई? कहाँ घूमने गई थी? अरे नहीं नहीं, कल मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, कल मेरा जन्मदिन था। तूने अपने जन्मदिन में बहुत मजे किए होंगे। हाँ, मेरे पापा मेरे लिए बहुत बड़ा चॉकलेट केक लेकर आए थे, वो बहुत ही सुंदर था। और वैसे भी तुमने तो पहले देखा भी नहीं होगा इतना बड़ा केक। नहीं नहीं, हमारे पापा तो हमारे जन्मदिन पर इससे भी अच्छा केक लेकर आते हैं, और एक नहीं दो दो। इतना कहकर मानवी और कोमल स्कूल चली जाती है और दिन में घर लौटकर अपनी माँ से आकर कहती है, माँ प्रीति के पापा उसके जन्मदिन पर उसके लिए बहुत बड़ा चॉकलेट का केक लेकर आए थे। आप भी पापा को कह देना कि हमारे जन्मदिन पर वो शहर से दो बड़े चॉकलेट केक लाएं। लेकिन बेटी, तुम दोनों का तो एक ही दिन जन्मदिन आता है ना, तुम लोग दो केक से क्या ही करोगे, एक ही में काट लेना। लेकिन माँ, मैंने प्रीति से कह दिया है कि हमारे पापा भी हमारे जन्मदिन पर दो बड़े चॉकलेट केक लेकर आएंगे, मैं उसको दिखा दूंगी। बेटी, किसी को दिखाने के लिए अपना नुकसान नहीं करते। हाँ कोमल, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, हम एक ही केक काटेंगे और दूसरे केक के बचे पैसों से गरीबों में मदद करेंगे, देखना वो हमें बहुत आशीर्वाद देंगे। मुझे किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए और मुझे किसी की भी मदद नहीं करनी, तुझे करना है तो तू जाकर कर। इतना कहकर कोमल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। अगले महीने उनका जन्मदिन आ गया और कोमल पूरा दिन अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी। शाम को उनकी सहेली प्रीति भी आ जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद प्रीति बोली, क्या हुआ कोमल, तेरे पापा तो अभी तक केक लेकर आए ही नहीं, लगता है आज तुम लोग का जन्मदिन ऐसे ही निकलेगा। इतना कहकर प्रीति कोमल पर हंसने लगती है। कोमल गुस्सा होकर अपनी माँ के पास आई और बोली, मम्मी कितनी देर हो गई है, पिताजी अभी तक केक लेकर भी नहीं आए, प्रीति मेरा मजाक उड़ा रही है। बेटी, तेरे पिताजी को कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए वो शहर से नहीं आ पाए। ये सुनकर कोमल रोने लगी और रोते रोते बोली, आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते, ये सब केक ना लाने के बहाने हैं। वो दोनों जब बात कर रहे थे तो प्रीति उनकी बात सुन रही थी और वो सब सुनकर जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से चली गई। प्रीति को हंसता देख कोमल और गुस्से में आ गई और घर से बाहर चली गई। और अब रात हो चुकी थी, लेकिन कोमल घर नहीं लौटी। तभी मानवी कोमल को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वो बहुत देर तक कोमल को ढूंढती रही, लेकिन कोमल कहीं नहीं मिली। तभी मानवी मन में सोचती है, मैंने तो कोमल को पूरे गांव में ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली, लगता है गांव के पीछे वाले पहाड़ के पास होगी। इतना सोचकर मानवी गांव के पीछे वाले पहाड़ पर चली जाती है। वहां जाकर मानवी देखती है कि कोमल वहीं एक पत्थर पर बैठी होती है। तभी मानवी उसको जाकर बोली, तुझे पता नहीं है इस पहाड़ पर आना मना है, माँ तुझे घर पर बुला रही है, चल अभी मेरे साथ। वो दोनों आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आ जाती है और कहती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों मेरे इस जादुई पहाड़ पर, बहुत दिनों बाद इस पहाड़ पर कोई इंसान आया है। हमें माफ कर दीजिए, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। तुम लोगों को मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? तब मानवी जादूगरनी को सारी बात बता देती है। आज तुम दोनों प्यारी बच्चियों का जन्मदिन है, तो तुम ऐसे परेशान मत हो, रुको मैं तुम दोनों को कुछ देती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी दोनों को एक एक केक देती है। मेरे हाथ में दो अलग अलग जादुई केक है, इन दोनों की शक्तियाँ अलग अलग है। अगर तुम चॉकलेट केक लेकर जाओगी तो तुम इससे कितना भी खाना मांग सकती हो,
और तुम अपने घर वालों के साथ भी रह सकती हो। अगर तुम ये वनीला केक लोगी तो तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने घर वालों से अलग रहना पड़ेगा। मुझे ये वनीला केक ही चाहिए। मैं अपने घर वालों से भी अलग रहूंगी और दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। मुझे तो चॉकलेट केक ही चाहिए। मैं चॉकलेट केक से गरीब लोगों की मदद करूंगी। मैं अपने घर वालों से दूर नहीं रह सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मानवी, तू पागल है? तू चॉकलेट केक ही ले ले, क्या फायदा खाने का अगर तू अमीर नहीं हो पाई तो। लेकिन कोमल मानवी की बात नहीं समझती और वनीला केक ले लेती है, और वो दोनों केक लेकर घर वापस चले जाते हैं। घर आकर कोमल अपना वनीला केक लेकर घर वालों से दूर चली जाती है और वो कुछ दिनों में ही बहुत अमीर हो जाती है। उधर मानवी अपने चॉकलेट केक की मदद से गरीब लोगों को खाना खिलाया करती थी और मानवी घर वालों के साथ हंसी खुशी रह रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कोमल के घर में चोरी हो गई और वो बहुत गरीब हो गई। एक दिन वो फटे कपड़ों में मानवी के पास आई। कोमल, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? तभी कोमल उसको सारी बात बता देती है। तेरी ये हालत तेरे लालच की वजह से हुई है, लेकिन ये अच्छा हुआ, अब हम एक साथ रह पाएंगे। इतना कहकर मानवी कोमल को अपने गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक गांव में केशव नाम का आदमी अपनी दूसरी बीवी रानी और अपनी दो बेटियों सपना और प्रेरणा के साथ रहता था। लेकिन केशव की दूसरी पत्नी रानी बहुत ही दुष्ट थी। वो प्रेरणा और सपना को हमेशा मारा करती थी और कभी कभी तो उनको खाने के लिए खाना भी नहीं देती थी। अरे ओ कल मुहियो, कहाँ मर गई दोनों? अगर कपड़े धुल गए हो तो जल्दी खाना बना दो आकर। रानी की बात सुनकर सपना को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, माँ अगर आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगी तो हम पिताजी से आपके शिकायत कर देंगे। अच्छा तो अब तुम दोनों मेरी शिकायत अपने पिता से करोगी? आहा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे पिता मेरे सामने भीगी बिल्ली है, जाए यहाँ से। सपना और प्रेरणा दुखी होकर वहाँ से चली जाती हैं। काश हमारी माँ आज जिंदा होती तो हमारे साथ घर में ये नौकरों जैसा सलूक नहीं होता। आप सही कह रही हो दीदी, लेकिन पिताजी भी हमारे साथ नहीं देते हैं। पता नहीं सौतेली माँ ने उन पर क्या जादू कर दिया है कि वो हमसे पहले जैसा प्यार भी नहीं करते। लगता है अब इन दोनों के पर निकल आए हैं। इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज ही अपने भाई राजू को बुलाती हूँ और इन दोनों को ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहकर रानी अपने भाई राजू को फोन करती है। थोड़ी ही देर में राजू रानी के घर आ जाता है। रानी उसको सारी बात बताती है। बहन ये तो किसी साजिश की तैयारी हो रही है, जल्दी ही तुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो ये दोनों आने वाले दिनों पर घर पर राज करेगी और तुझे नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। उसके बाद राजू रानी को एक योजना बताता है। योजना के अनुसार सपना और प्रेरणा अपने कमरे में सो रही होती हैं। तभी रानी सपना को चुपके से उठा लेती है और घर के बाहर बने हुए कुएं में फेंकने के लिए चली जाती है। तभी सपना की आँख खुल जाती है। माँ आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो और राजू मामा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज तुझे सबक सिखाना है क्योंकि तेरी जवान बहुत चलने लगी है। ऐसा कहकर राजू सपना को रस्सी से कुएं में लटका देता है। माँ माँ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं तुमसे बहस नहीं करूँगी, मुझे कुएं से बाहर निकालो ना माँ। लेकिन तभी सपना का रस्सी से हाथ छूट जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। कुएं में गिरते ही थोड़ी देर बाद सपना की मौत हो जाती है। अरे ये तो कुएं में गिर गई। चलो अच्छा है, मुसीबत तो टली। चलो बहन अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं वरना कोई हमें देख लेगा। इसके बाद रानी और उसका भाई राजू वहाँ से चले जाते हैं। सुबह हो चुकी थी। प्रेरणा अपनी बहन सपना को घर में ना पाकर बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए वो अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी सपना दीदी घर में कहीं भी नजर नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। तुम परेशान मत हो, मैं उसको ढूंढ कर लाता हूँ। तभी राजू और रानी भी वहाँ पर आ जाते हैं।
अब क्या नौटंकी शुरू कर दी इन दोनों बहनों ने, इनके रोज के तमाशे से तो मैं परेशान हो गई हूँ। रानी की बात सुनकर प्रेरणा रोने लग जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात होने वाली थी, प्रेरणा बहुत चिंतित थी क्योंकि उसको अपनी बहन कहीं भी नहीं मिली थी। दीदी तुम कहाँ चली गई हो? पहले माँ चली गई मुझे छोड़कर, अब तुम भी चली गई, कहाँ हो दीदी? तभी सपना की आत्मा वहाँ पर आती है। सपना बहुत ही डरावनी चुड़ैल जैसी बन चुकी थी। आप कौन हो और मेरे कमरे में कैसे आई? प्रेरणा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी बहन सपना हूँ। नहीं तुम झूठ बोल रही हो, आप मेरी दीदी नहीं हो सकती। सच में मैं तुम्हारी बहन ही हूँ। कल रात सौतेली माँ ने मुझे अपने भाई के साथ मिलकर कुएं में डालकर मेरी जान ले ली। उसके बाद सपना प्रेरणा को उस रात की सारी बात बताती है। दीदी उन दोनों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, आप उन लोगों को मत छोड़ना, उन दोनों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मैं इन्हें जरूर दूंगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, इन्हें भी मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी जैसे उन दोनों ने मुझे मारा था। इसके बाद सपना प्रेरणा को एक योजना समझाती है और अगले दिन सुबह प्रेरणा घर में झाड़ू मार रही थी तभी वहाँ पर रानी आती है और कहती है, अभी लगी नहीं घर में झाड़ू, मैं इंसान हूँ ना कि रोबोट, समझे मेरी माँ? तूने मुझसे जबा लड़ाई, रुक अभी तेरे को बताती हूँ। जैसे ही रानी प्रेरणा को मारने के लिए आगे बढ़ती है वैसे ही सपना रानी के पैर में अड़ंगी लगाकर उसको गिरा देती है। प्रेरणा तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे गिराया? ऐसे ही सपना रोज दिन में कई बार रानी को परेशान किया करती थी। एक दिन वो बहुत परेशान हो जाती है और मन ही मन कहती है, हे भगवान ना जाने रोज कौन परेशान करता है, और तो और जब कल मैं बाहर बालकनी में पौधों में पानी डाल रही थी तो अपने आप ही बाल्टी गिर गई और मैं फिसल गई। मुझे तो लग रहा है हमारे घर में जरूर कोई काला साया है, मैं आज ही बाबा को बुलाती हूँ। ऐसा कहकर रानी बाबा के पास जाती है और उनको अपने घर में लेकर आती है। घर में आकर बाबा अपनी पूजा पाठ चालू करते हैं और थोड़ी ही देर बाद रानी से कहते हैं, इस घर में तुम्हारी बेटी सपना का साया है जिसे तुमने और तुम्हारे भाई ने मारा है, उसकी आत्मा तुमसे बदला ले रही है। बाबा ये बात आपको पता चल गई, लेकिन ये आप किसी को मत बताना, इसके लिए मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी। केशव उनकी ये सब बातें दरवाजे पे खड़े होकर सुन रहा था। वाह रानी वाह, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम मेरी बेटियों का अच्छे से ख्याल रख सको, लेकिन तुमने तो मेरी एक बेटी को ही खा लिया। अब तुम नहीं बचोगी, अब तुम जिंदगी भर के लिए जेल में चढ़ना, और हाँ साथ में तुम्हारा भाई भी। इतना कहकर केशव पुलिस को बुलाता है और रानी और उसके भाई को पुलिस के हवाले कर देता है। इंस्पेक्टर साहब अब इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देना ताकि ये दोनों कभी भी ऐसा करने की कोशिश ना करें। केशव के इतना कहते ही पुलिस रानी और उसके भाई को जेल में ले जाती है और उन दोनों को उम्र कैद की सजा मिलती है। उस दिन के बाद से केशव और प्रेरणा गांव का घर बेचकर शहर में रहने चले जाते हैं और वहीं हंसी खुशी रहने लगते हैं।